देश में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले सर्वप्रमुख संस्थानों में से एक रहा है। अपने इस विरासत को मजबूत करते हुए ये वर्तमान में कक्षा 5वीं से 11वीं के छात्रों के लिए फिर्जी टैलेंट रिवार्ड परीक्षा FTRE का आयोजन करने जा रहा है। बता दें, फिर्जी टैलेंट रिवार्ड एग्जाम 24 दिसंबर और साथ ही 7 जनवरी को किया जाएगा। 24 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को होने वाली FTRE परीक्षा कक्षा 5वीं से 11वीं के विद्यार्थी दे सकते हैं। ये उनकी शैक्षणिक क्षमता जानने और सुधार के मुख्य क्षेत्रों को समझने का बड़ा अवसर होगा। बताना चाहते हैं कि परीक्षा केवल ऑफलाइन होगी और उम्मीदवार अपनी सुविधा से तारीख चुन सकते हैं। FTRE के उम्मीदवार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही नजदीकी फिर्जी सेंटर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। FTRE रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख परीक्षा की चुनी गई तिथि से 2-3 दिन पहले ही है। प्रेस वार्ता के दौरान मैनेजिंग पार्टनर ऑफ फिर्जी जगदीश कुमार ने इस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर्जी टैलेंट रिवार्ड एग्जाम, जो कि होने वाला है अभी 24 दिसंबर और 7 जनवरी को। इस एग्जाम की खासियत ये है कि इसमें पूरे नेशन वाइज हम 300 करोड़ का स्कॉलरशिप बांटने वाले हैं, जिसमें कि 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनके पेरेंट्स हो सकता है एजुकेशन अफोर्ड न कर पाते हों, लेकिन अगर बच्चा अच्छा है और इस एग्जाम में बैठता है तो उसको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी, इवन कैश रिवॉर्ड भी मिलेगा। जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं FTRE रिवॉर्ड एग्जाम है उसमें, तो ये अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल इनकैश कीजिए और अपने बच्चों का फ्यूचर बनाइए। रियली फिर्जी के थ्रू जो बच्चे आगे बढ़ते हैं वो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो भिलाई में 20 साल का सफर है उसका आप आगे बढ़ाइए और भिलाई के बच्चों को बिल्कुल इसमें बेनिफिट कराइए। और मैं फिर चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो बच्चे पिछड़ रहे हैं वो भी इस अपॉर्चुनिटी को लें और भिलाई रायपुर में जहां पे हो सके उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए और एक स्कॉलरशिप में अपना फ्यूचर बनाइए, आपका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन आप करना चाहें तो एक ऑनलाइन भी है, आप फिर्जी लिमिटेड की साइट में चले जाइए, वहां पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन आके रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें काफी सारे डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं, तो आप एक बार यहाँ पे आके काउंसलिंग लेंगे तो आपको हो सकता है उसके कोर्स मिलेंगे जिससे आपका रजिस्ट्रेशन फी कम हो जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन में आपकी पूरी डिटेल डालनी है, आपके पेरेंटल डिटेल डालनी है और उसके बाद ऑनलाइन आपका जो पेमेंट है पे करके आप उसको अपना हॉल टिकट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक हफ्ते पहले तक का लास्ट डेट रहता है, तो आप 24 के एक हफ्ते पहले तक अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके बाद आपको क्या होगा, एक पेपर मिलेगा, मॉक पेपर मिलेगा, जिस पेपर को आप देख के सोच के जा सकते हैं कि हाँ मेरा पेपर लगभग ऐसा ही आएगा, तो वो बेनिफिट आप लेना है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन, ये हमारे सारे भिलाई और रायपुर दोनों ही सेंटर पे हैं, उस समय भी आप अपना अपॉइंटमेंट लीजिए, एक नंबर आपको गिवन होगा उस पे कॉल कीजिए। आप फोनिकली भी अपने घर से कर सकते हैं, यहाँ पे सहयोग मिलते रहेगा, पर्सनली आएंगे तो हम भी आपको काफी सहयोग करेंगे, कंप्यूटर वगैरह सब अवेलेबल रहेगा यहाँ। देखिए, भिलाई में हमारा जो ऑफिस है वो न्यू सिविक सेंटर का 142 बिल्डिंग में है और रायपुर में हमारा श्यामनगर मेन रोड में गुरुद्वारा के सामने में फिर्जी ऑफिस है, सब जगह फिर्जी लिखा हुआ है, तो आप वहां पे आके अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पूरा सहयोग किया जाएगा आपको। सवेरे 10:30 से अपना ऑफिस खुला रहता है, शाम को 8 बजे तक, तो आप वहां पे मिल सकते हैं। ग्रैंड एशियन के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।